हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे अंगूर के बगीचे में इस तरीके से कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि स्टिम बोरर यहाँ इस पौधे को लग चुका है। जो स्टिम बोरर का लार्वा होता है दोस्तों, वो स्टेम में टनल बनाना शुरू करता है और टनल बनाने से क्या होता है कि पत्तियों का कलर जो है वो चेंज होता है और इस तरीके से भूसा गिरा हुआ हमको दिखाई देता है। तो क्या चीज़ें लगती है और कैसे कंट्रोल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो मेनली चार चीज़ें चाहिए। पहले तो ये साड़ी का कपड़ा चाहिए मार्क करने के लिए, एक बोतल में केमिकल भरने के लिए, एक सिरिंज चाहिए इंजेक्ट करने के लिए, और जो लार्वा रहता है टनल के अंदर उसको मारने के लिए इस तरीके का केबल चाहिए। ये मोटरसाइकिल का केबल है दोस्तों, एक्सीलेटर केबल। तो दोस्तों, पहले देखिए कि होल कहाँ पे है, जहाँ से भुस्सा गिरा है वो होल कहाँ पे, ये पहले देखिए। और एक्सीलेटर केबल की मदद से जितना अंदर तक वो केबल जाता है उतना डालिए और आगे पीछे कर करके उस लार्वा को पहले मार देना है। तो देखिए ये लार्वा जो है कितना अंदर तक टनल बनाया है, देखिए कितना लंबा जो है टनल बनाया है लार्वा ने। दोस्तों, अभी हमको इंजेक्शन करना है। तो जो टनल बनाया है उसके अंदर हमको इंजेक्ट करना है। कोई भी केमिकल आप ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर फ्यूमिगेंट केमिकल अगर आप लेते हो तो बहुत बढ़िया रहता है। कॉन्टैक्ट सिस्टम से ज़्यादा अगर फ्यूमिगेंट लेते हो तो बढ़िया रहता है। अगर केमिकल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता तो कोई बात नहीं, जो टनल में गैस तैयार हो जाता है उससे वो लार्वा मर जाता है, अगर मरा नहीं है तो भी। तो हमने रोगर लिया है और क्लोरोपाइरीफास दोनों मिक्स किया है। तो इसे क्या होता है कि गैस तैयार हो जाता है और टनल के अंदर गैस तैयार होने से पूरा जो है लार्वा मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है मिट्टी लिया है, मिट्टी में पानी डाल के इस तरीके से चिके हमें इसको मार्क कर देना है, कुछ इस तरीके से कपड़े से बांध के इसको मार्क कर देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमको पता चले कि लार्वा मरा है या नहीं। अगर लार्वा नहीं मरता तो फिर से वो भूसा गिराना शुरू कर देता है, तो फिर से हमको वही सेम प्रोसेस करना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।